हेलो फ्रेंड्स, आहा जिंदगी एडुकेयर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पिछले लेक्चर में द्रव्य की अवस्थाएं स्टेट ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें कि मैं आप लोगों को द्रव्य की अवस्थाएं बताई थी। नॉर्मली तो द्रव्य की अवस्थाएं तीन होती है, ठोस, द्रव्य एंड गैस। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि द्रव्य की पांच अवस्थाएं भी होती है, जिसमें कि आपको ठोस, द्रव्य, गैस के अलावा मैं आपको प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कॉन्डेंसेट के बारे में बात की थी। फिर मैं अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों की द्रव्य की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन बताए थे। फिर द्रव्य पर ताप का क्या परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, दाब का क्या प्रभाव होता है, तो इन सब बातों पर मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा की, आप लोगों के साथ डिस्कशन की। ठीक है, तो मैं आज जो बताने जा रही हूँ द्रव्य की अवस्थाएं में, द्रव्य का वर्गीकरण पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को पूरा डिटेल्स जानकारी आप लोगों को देने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस वीडियो को पूरे लास्ट तक विदाउट स्किप देखें, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आप लोगों को ना रह जाए। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है? द्रव्य का वर्गीकरण जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। तो जैसे देखिए, यहाँ मैं बता रही हूँ द्रव्य का जो होता है वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। ठीक है, अब ये द्रव्य है, इसको हम लोग मैटर लिख सकते हैं। तो इसमें एक तो होता है मिश्रण। ठीक है, यहाँ देखिए हम मिश्रण, और जिसको कि मिक्सचर भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अदर जो होता है शुद्ध पदार्थ होता है, यानी प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अब हम मिश्रण जब बोल रहे हैं तो वो मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो होमोजेनस मिक्सचर और हेटरोजेनस मिक्सचर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं समांगी, दूसरा जो है विसमांगी। ठीक है, तो इसको हम लोग हेटरोजेनस बोलते हैं। हेटरोजेनस, ये जो हो गया समांगी जिसको बोलते हैं, उसका इंग्लिश हम लोग होमोजेनस बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर होमोजेनस हो गया, एक हो गया हेटरोजेनस मिक्सचर। अब हम शुद्ध पदार्थ की बात करें अगर, तो शुद्ध पदार्थ को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। देखिए, जैसे एक तो हो गया हमारा जो तत्व, जिसको कि हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं, एलिमेंट्स। दूसरा जो हमारा हो गया यौगिक। ठीक है, जिसको हम लोग कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम एलिमेंट्स को भी हम तीन भाग में बांट सकते हैं। ठीक है,
देखिए, ये जो तत्व है, तत्व को हम लोग तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो तीन भाग कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स को हम लोग धातु, अधातु उपधातु, ठीक है? ये देखिए, हम लोगों का द्रव्य की अवस्थाएं में द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में हम देखिए एक चार्ट की तरह बना दी हूँ, तो आप लोगों को देख के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। द्रव्य है यहाँ, ठीक है? इसको, द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, एक तो मिश्रण, दूसरा जो है शुद्ध पदार्थ। मिश्रण में मिक्सचर, तो मिश्रण को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हैं। तो एक हो गया होमोजिनस मिक्सचर या समांगी मिश्रण, दूसरा हो गया हेटरोजिनस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण। ओके, तो ये हमारा मिश्रण का डिवाइड जो हम लोग किए उसका हो गया। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ कितने भागों में विभक्त होता है, तो ये देख लीजिए आप। यहाँ देखिए, शुद्ध पदार्थ सबसे पहले तो दो भाग में हुआ, तो तत्व और यौगिक, एलिमेंट्स कंपाउंड्स। ओके, फिर हम तत्व को तीन भागों में बांट रहे हैं। तो तत्व में हो गया धातु, अधातु, उपधातु। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स, तो मैं आगे चलती हूँ। तो वास्तव में पदार्थ के रासायनिक संगठन पर आधारित है ये जो वर्गीकरण है। वर्गीकरण वास्तव में पदार्थ के रासायनिक संगठन पे आधारित है, ठीक है? अब हम लोग सबसे पहले मिश्रण की चर्चा कर लें, फिर शुद्ध पदार्थ की चर्चा करेंगे। क्या कैसे होता है सारा, मैं डिटेल्स वन बाय वन सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए फ्रेंड्स स्किप तो बिल्कुल भी ना करें, पूरे लास्ट तक देखें, ठीक है फ्रेंड्स? आगे अब मैं मिश्रण के बारे में बात करूंगी, क्या होता है मिश्रण, ठीक है? ओके, तो फ्रेंड्स मिश्रण क्या होता है, तो इसका जो डेफिनेशन मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर प्राप्त द्रव्य जो होता है वह मिश्रण कहलाता है। तो मैं नोट डाउन भी कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों, ठीक है, या यौगिकों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिला देने से, देने पर प्राप्त द्रव्य जो होता है मिश्रण कहलाता है, ठीक है? मिश्रण कहलाता है। तो ये हमारा मिश्रण का डेफिनेशन हो गया। ओके, अब आगे जो मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानकारी मिलना चाहिए इसका। तो मिश्रण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? ऑलरेडी मैं चार्ट में तो बता ही चुकी हूँ, बट फिर से मैं उसको नोट डाउन करती हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं फिर से बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं समांगी मिश्रण के बारे में बात करूंगी, क्या होता है।
ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या होता है, जब किसी मिश्रण के अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात मिश्रण में स्थित अवयवों का मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात जो होता है समान होता है, तो मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए वायु ऑक्सीजन O2 नाइट्रोजन N2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, अब हम एक बात और मैं आप लोगों को इंपोर्टेंट बात बता रही हूं, वायु समांगी मिश्रण है ठीक है, परंतु वायु में धूल के कण धुएं के कण आदि और निश्चित मात्रा में साथ में उपस्थित होते हैं, अतः इसे कभी कभी विसमांगी मिश्रण भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आगे मैं अब विसमांगी के बारे में बात करूंगी। तो दूसरा जो हमारा टाइप है क्या है मिक्सचर का, मिश्रण का, विसमांगी। विसमांगी मिश्रण, ओके। अब विसमांगी मिश्रण जो है इसको हम लोग हेट्रोजीनस भी बोलते हैं, क्या होता है विसमांगी मिश्रण क्या होता है, जब किसी मिश्रण में स्थित अवयवों का संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरण ना हो, अर्थात अवयवों का मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात समान ना हो, ठीक है, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि बालू एवं लोहे के बुरादे का मिश्रण, धुआं दूध जल तथा वसा का मिश्रण, कंक्रीट आदि। तो देखिए सिंपल सी बात है कि समांगी मिश्रण होमोजेनस मिक्सचर जो हुआ, इसमें मान लिया कि अगर दो या दो से अधिक तत्व हैं या यौगिक जो भी रहे मिक्स हम किए, तो ठीक है, तो इसमें जो रेशियो रहेगा एक रेशियो में रहेगा। जैसे कि हम लोग ले लें कि H2O, ठीक है, तो पानी में क्या है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1, यानी 2:1 रेशियो में ये है, ठीक है, तो हम लोग पानी को 2:1 रेशियो में देखते हैं। लेकिन वही अगर हम देख लें दूध, तो दूध में क्या है, अगर हम दूध लेते हैं गाय का दूध ले लें, भैंस का दूध ले लें, बकरी का दूध ले लें, तो तीनों दूध में हमें कोई समान रेशियो में कुछ भी नहीं हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है, जल अलग मात्रा में रहेगा, वसा अलग मात्रा में रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो दूध हुआ, दूध का जो मिश्रण हुआ वसा और जल का, तो इसमें कोई निश्चित रेशियो में नहीं उपस्थित है, ना ही जल निश्चित रेशियो में उपस्थित है, ना ही वसा निश्चित रेशियो में उपस्थित है। तो मैं इसे, मैं नहीं, हम लोग सब लोग विसमांगी मिश्रण इसको कहेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सर कहेंगे। लेकिन वही जल को जब हम देखते हैं तो जल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर जल बना है, और ये हमेशा पूरे विश्व के लिए एक ही नियम लागू होगा कि H2O है तो ये जल हो गया, ठीक है, तो H2O क्या हो गया, होमोजीनस मिक्सचर हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। ओके फ्रेंड्स, आगे मैं चलती हूँ। अब ये यहाँ मिश्रण के बारे में तो पूरी अच्छे से पूरे डिटेल्स चर्चा की आप लोगों के साथ, अब हम लोग शुद्ध पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, कैसे क्या, सारा डिटेल्स उसका मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ,
अब देखिए इसमें क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर हो वह निश्चित होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। देखिए मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ, वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर व निश्चित होता है, ठीक है, होता है, क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। कहलाता, ठीक है, क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस कहलाता है। ओके तो यह पदार्थ जो होता है प्रस्वेद यानी नमी अवशोषक होता है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए हम लोग ले लें NaOH, KOH, यह हाइग्रोस्कोपिक हाइड्रेट्स बनाने वाला शुष्क Na2CO3 या उत्फुल्लित क्रिस्टलीकरण पर जल त्यागने वाला एफ्लोरेसेंट भी हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए क्या होता है, Na2CO2, ठीक है, Na2CO3, ठीक है, एक तो ये हो गया, H2O, ओके? अब हम देखेंगे शुद्ध पदार्थ जो होते हैं मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं? तत्व और यौगिक, जो कि मैं पहले भी चार्ट में बता चुकी हूं। तो पहला ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अब फर्स्ट जो है तत्व है, दूसरा जो है यौगिक है, तो एक एक करके मैं दोनों के बारे में बताऊंगी। तत्व क्या होता है, ठीक है, वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा ना तो अन्य अवयवों में अपघटित किया जा सकता है और ना ही इन्हें निर्मित किया जा सकता है, तो इसे हम लोग तत्व कहेंगे, ठीक है। अब तक ज्ञात एलिमेंट्स में की संख्या जो है 118 है, जिसमें से कितने हैं, पूरे जितने ज्ञात तत्व हैं पूरा संख्या 118 है, जिसमें 92 जो है प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव द्वारा निर्मित हैं। बाकी जो हैं प्राकृतिक हैं, ठीक है, तो 26 जो हो गए मानव निर्मित हैं, ठीक है। भूपटपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो हैं कौन से हैं? सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो हैं ऑक्सीजन है 46.2%, ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकन जो है 27.7% पाए जाते हैं, ओके, तथा एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम जो है 8.3%, शेष तत्व कम अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तत्व के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। अब हम आगे देखते हैं कि यौगिक क्या होता है। ठीक है, यौगिक, तो यौगिक को हम लोग कंपाउंड भी बोलते हैं। तो कंपाउंड यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है, तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं, यौगिक कहलाता है। इनका संघटन जो होता है निश्चित होता है, इनके गुण अवयवी तत्वों से भिन्न तथा निश्चित होते हैं। यौगिक समांग होते हैं तथा इनके भौतिक स्थिरांक जैसे गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि स्थिर व निश्चित होते हैं। इनके अवयवों को भौतिक रीतियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु रासायनिक विधियों द्वारा इनको इनके अवयवी तत्वों अथवा साधारण पदार्थों में विघटित किया जा सकता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम लोग देख लें, जल। जल क्या है? यौगिक है। अमोनिया क्या है? यौगिक है। ठीक है, शुगर, हम लोग शुगर देख रहे हैं, क्या है? यौगिक है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के उदाहरण आप लोगों को मिलेंगे यौगिक। तो फ्रेंड्स, हम लोग तत्व देखे, यौगिक देखे, अब आगे हम लोग विलयन देखेंगे, क्या होता है विलयन। तो इसको मैं क्लियर कर लूं, फिर मैं आगे चर्चा करूंगी। विलयन, तो विलयन क्या होता है, इसको हम लोग सॉल्यूशन भी क्या होता है सॉल्यूशन, विलयन सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो विलयन क्या होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ, नोट डाउन कर देती हूँ। विलयन जो होता है सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका उदाहरण के लिए हम लोग ले लें नींबू जल। क्या होता है, नींबू और जल का समांगी मिश्रण है। सोडा जल, सोडा और जल का समांगी मिश्रण है। तो आदि ये सब जो होते हैं समांगी मिश्रण का जो होता है, ये विलयन का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका देखिए कुछ हम इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। ओके, तो क्या होता है, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, विलयन जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा है, फर्स्ट तो देख लीजिए, संतृप्त विलयन। ठीक है, और दूसरा जो हमारा हो जाएगा असंतृप्त। संतृप्त असंतृप्त विलयन। ठीक है,
आगे हम चलते हैं, संतृप्त विलयन होता क्या है? तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, ठीक है, घुली हो तो क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। अब हम असंतृप्त विलयन किसको कहते हैं, तो वो भी मैं देख लेती हूँ। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो होती है संतृप्त विलयन की अपेक्षाकृत कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, नोट डाउन कर देती हूँ। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, ठीक है, तो इसको हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। एक देखिए, यहाँ पे हम लोग अति संतृप्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं थोड़ा, क्या होता है अति संतृप्त विलयन? तो ये क्या होता है? स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, ठीक है, अधिक हो जाती तो उसको हम लोग अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग विलयन के बारे में जानकारी प्राप्त किए। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ओके, आगे मैं देखती हूँ कि निलंबन क्या होता है। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर लूँ, निलंबन के बारे में फिर आप लोगों को जानकारी देती हूँ। निलंबन, इसको हम लोग इंग्लिश में सस्पेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है? तो सस्पेंशन जो होता है, निलंबन जो होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के छोटे छोटे कण विलायक में परिक्षिप्त रहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख देती हूँ, निलंबन क्या होता है? तो यह एक विषमांगी मिश्रण मिश्रण है जिसमें
विलय के छोटे छोटे कण विलायक में परिचित होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग निलंबन कहते हैं या सस्पेंशन कहते हैं। अब इसके कुछ गुण होते हैं सस्पेंशन का, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं। तो इस विलयन में कणों का जो आकार होता है, व्यास जो होता है कितना होता है, 1 nm से छोटा होता है। ओके, दूसरा जो होता है, इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, परंतु सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अगला जो है, निलंबन के कण प्रकाश पुंज के पथ को प्रकाशित कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये दो तीन बातें जो देखे, निलंबन का जो कैरेक्टर देखे, इसका जो गुण देखे, तो हम लोगों को निलंबन के बारे में पता चला, सस्पेंशन के बारे में पता चला कि सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में विलयन बताई, शुद्ध पदार्थ बताई, शुद्ध पदार्थ के प्रकार बताई, तत्व बताई, यौगिक बताई, मिश्रण का बताई, मिश्रण के जो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, इन सब के बारे में आप लोगों से चर्चा की। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में यहीं तक बात कर रही हूँ। अब मैं अगले वीडियो में, अपने अगले लेक्चर में मैं बात करूंगी मिश्रण के घटकों का पृथक्करण क्या होता है, कैसे होता है, क्रोमेटोग्राफी का के बारे में बात करूंगी, धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, सारे कुछ पूरे डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक है फ्रेंड्स। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल आहा जिंदगी एडुकेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे जितने भी आप लोगों के लिए जो हेल्पफुल वीडियो आने वाले हों, जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स।